टिकी और स्वागत है आपको मेरे चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। एक्चुअली सबसे पहले मैं अपना गेटअप, मैं अपना ड्रेस जो भी पहनी हूँ आपको दिखाना चाहूँगी। एक्चुअली लहंगा एक पहनी हुई हूँ, तो पहले आप देख लीजिए कैसा लग रहा है मेरा लहंगा, थोड़ा वो भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो पहले देख लीजिए, उसके बाद वीडियो में क्या मैं शेयर करने वाली हूँ वो बताऊँगी। तो चलिए थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए पहले। ये है मेरा लहंगा, क्रीम कलर और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में है और बॉर्डर लाइन है गोल्डन और ब्लैक कलर में। तो आप इसको हैवी लुक देने के लिए ज्वेलरी कुछ इस तरह से पहन सकते हैं, या फिर कोई भी हल्का फुल्का पार्टी में भी इसको आप पहन सकते हैं। तो इस लहंगे को आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते तो हैं। आप मेरा लहंगा जी नहीं, एक्चुअली साड़ी है, लहंगा नहीं है, तो हाफ एंड हाफ साड़ी है। तो इसको मैं लहंगे पैटर्न में पहनी हुई हूँ, एकदम लहंगा लुक आता है। कोई कोई तो पहचान नहीं पाते हैं, ये लहंगा ही समझते हैं। तो साड़ी को तो कई तरह से पहना जाता है लहंगे की तरह, तो ये एक पैटर्न है। तो जैसे ही आप पसंद करते जाओगे मैं दूसरे स्टाइल भी दिखाती जाऊँगी। तो देखिए आज मैंने तो पहन लिया है, तो यही सेम प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है। यही सेम साड़ी को मैं किसी और के ऊपर आपको पहना के दिखाऊंगी। तो देख लीजिए मेरा भी गेटअप देख लीजिए, वो एक्चुअली काफ़ी यंग लड़की है, तो उसका भी थोड़ा गेटअप देख लीजिए। अगर पसंद आता है वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़ फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप, देख के ऐसे ही चले जाते हो, और सब्सक्राइब जो करते हैं बेल को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल नहीं दबाएंगे तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इनसे मिलिए, ये है क्यूट गर्ल स्वरूपा। तो इनके ऊपर भी हम वही सेम साड़ी ट्राई करते हैं। चलिए तो देखिए कितना क्यूट नज़र आ रही हैं। तो सामने का प्लीट्स उनका जो है उनके कंफर्टेबल के हिसाब से हमने रखा है, बाकी तरीका सब सेम है। तो देखिए काफ़ी क्यूट नज़र आ रही हैं ये। तो उनके फ्रेंड के रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार हैं ये पूरा। तो अभी ये साड़ी वेयरिंग की प्रोसेस भी देख लीजिए। तो कहाँ पे मैं टक कर रही हूँ देखिए, आप ध्यान से पीछे की तरफ से टक कर के लाई, और ये साइड में मैं प्लीट बना रही हूँ जो कि ये लहंगा पैटर्न का साड़ी में वेयर कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से पहनी हूँ। तो किसी ने मुझे बोले थे कि पास से थोड़ा प्लीट दिखाई ये समझ में नहीं आता है, तो मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो शायद आपको समझ आ जाए किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये हाफ एंड हाफ साड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है कितने पार्ट में हमें प्लीट बनानी है। जितना पार्ट मुझे नेट का था तो उतने में बना दी। अगर कोई दूसरा साड़ी होता तो पहले मैं उसको घुमा के फिर पल्लू के पार्ट में प्लीट देके उसके बाद यहाँ पे डालती, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ एंड हाफ साड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए किस तरह से मैं टक करते जा रही हूँ। पहले सबसे पहले मैं सारे प्लीट को इकट्ठा कर ली, उसके बाद एक एक करके इतने इतने डिस्टेंस में मैं डालती जा रही हूँ, टक करते जा रही हूँ। तो शायद आपको समझ आ जाए, तो देखने से तो शायद पता चल जाता है, मुझे बोलने की भी इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए मैं पीछे की तरफ घुमा ली, क्योंकि पीछे हाथ डाल के ऐसे टक करना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए मैं घुमाती जा रही हूँ और टक करती जा रही हूँ, तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो ये जो एक जगह पे मैंने प्लीट बना ली ना, इसका ये बेनिफिट है कि निचले वाला जो हिस्सा है वो ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, सारे तरफ से एक समान आएगा। तो अभी पल्लू की बारी। तो जिस तरह से पीछे से घुमाते हुए सामने की तरफ लाते हैं और प्लीट बनाते हैं, कुछ इस तरह का ही मैं बना रही हूँ देखिए नॉर्मल तरीके से। तो थोड़ा पतला पतला मैं बना रही हूँ, तो जिस तरह का मैं वेयर की हूँ आप तो देख चुके हैं, तो उसके लिए थोड़ा पतला पतला लेना होता है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, तो पेशेंस रखिए। तो देखिए कुछ इस तरह का मैं यहाँ पे सिर्फ साड़ी वेयरिंग का तरीका दिखा रही हूँ, इसलिए टी शर्ट पहनी हुई हूँ, तो ब्लाउज़ के साथ कितना सुंदर लुक आता है तो आप देख चुके हैं। तो सिर्फ तरीका शेयर करने के लिए मैं देखिए ये दिखा रही हूँ। तो मैं जैसे पहनी हूँ तो थोड़ा पतला करके अच्छे से पिन पिन सेट कर लीजिएगा तो कितना अच्छा लुक आएगा। तो मैं और स्वरूपा को जो मैं पहनाई हुई हूँ कुछ इस तरह से, तो
तो देखिए, मुझे लगता है आपको इस वीडियो से और भी कुछ ट्रिक्स मिल गए होंगे, जैसे कि साड़ी कुछ इस तरह का चूज़ कीजिए जो कि आप किसी भी उम्र में भी पेयर कर सकते हो, तो ब्यूटी क्वीन फॉर एवर दिख सकते हो किसी भी उम्र में। तो कुछ पिक भी देख लीजिए सिंगल वर्सेस मैरिड। एंजॉय दिस वीडियो, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।